हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिशन मैथमेटिक्स मिशन गणित की जो कक्षा 8 की कार्य पत्रिका है घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति के अनुसार दिनांक 2/8/2023 इसको करने वाले हैं। इसका प्रस्तुत रूप पहले देखते हैं क्या होता है। देखो, कोई संख्या दी गई है, उसका प्रस्तुत रूप कैसे लिखोगे। जैसे यहाँ देखो 4 और इसमें 10 की पावर कितना हो जाएगा, पीछे कितनी संख्याएं हैं तो आप गिनोगे 1 2 3 4 हैं तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 7 लिखो प्लस में और इंटू 10 की पावर में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 10 की पावर में 2 क्योंकि पीछे संख्या कितनी है 2। 6 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा 1। यही कहलाता है आपका क्या, प्रस्तुत रूप, है ना। इसके बाद अगला आप देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पर मानक रूप क्या होता है। मानक रूप कुछ नहीं होता, जैसे मान लो कोई संख्या दशमलव में दी गई है तो उस दशमलव को उठाकर हमें एक डिजिट के पीछे ले जाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिला कि 0.7 के पीछे लगा था, पर इस पॉइंट को उठाकर हम 4 के पीछे ले गए। और देखो, जितनी डिजिट आगे पीछे ले जाएंगे, है ना, उतना हम क्या है 10 की घात में लगा देंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 चार संख्या पीछे ले गए, इसलिए 10 की घात कितनी हो गई 4। यहाँ पर देखो दूसरे वाले में, यहाँ पर कितनी संख्या पीछे ले गए हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाया तो 3, है ना, तो इसलिए 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 3, है ना। इसी को बोलते हैं मानक रूप। चलो आते हैं, करते हैं। यहाँ पर कहा गया आपको क्या करना है, विस्तृत रूप के साथ साथ मानक रूप यानी दोनों को लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाली संख्याओं का मानक रूप विस्तृत रूप लिख लेंगे, फिर मानक लिखे गए, है ना। पहले आप हेडिंग डालो विस्तृत रूप, क्या डालोगे, विस्तृत रूप। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 into 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 5, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 7 into 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 4 इसलिए लिखा है, 1 2 3 4 चार संख्या हमारी क्या है 7 के पीछे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसके बाद आ रहा है 9 के पीछे कितनी है, तो आप देखोगे 3 संख्या है इसलिए 3 हो जाएगा 10 की घात। इसी तरीके से आप 4 लिखोगे और 4 के ऊपर 4 और 10 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, फिर से आप 4 लिखोगे और 4 के पीछे कोई है ही नहीं, तो इसलिए 10 की घात 0 हो जाएगी। और यहाँ पर प्लस का साइन लगा लो, बीच में 0, 10 की घात कितनी लिख दो 1। इसी तरीके से आप दूसरे आले का जब करोगे तो 3 into 10 की पावर 10 की घात कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 6 हो जाएगी। इसके बाद प्लस 0, 10 की घात 5, प्लस 0, 10 की घात 4, प्लस कितना हो जाएगा 6 × 10 की घात 3, प्लस कितना हो जाएगा 1 × 10 की घात 2, प्लस कितना हो जाएगा 9 × 10 की घात 1, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 4 × 10 की घात 0, है ना। ये तो आपका हो गया क्या, विस्तृत रूप। मानक रूप भी इसका लिखना है ना, तो चलो अब मानक रूप लिख के दिखा देते हैं। तो मानक रूप में आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है, जो शून्य होता है, जो दशमलव होता है, दशमलव को हम क्या करते हैं, खिसकाते हैं आगे की ओर, है ना। जो दशमलव होता है उसको आगे की ओर, जैसे यहाँ पर 2, अब देखो यहाँ कहीं दशमलव ही नहीं लगा, इसलिए 2 7 9 4 0 4 गुड़े कितने दशमलव के इधर संख्या लिखी हमने, तो आप देखोगे दशमलव के इधर 5 संख्या लिखी है, इसलिए 10 की पावर क्या बना दोगे 5। इसी तरीके से फिर 3 2 0 6 1 9 4 यहाँ कितनी संख्या दशमलव के बाद लिखी है 6, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ये भी आप उठा लेना, ये मानक रूप इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। अब आप आगे आओगे तो आगे क्या देखोगे, आगे देखोगे कि निम्नलिखित कथनों को क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो चलो करते हैं। अब आप देखोगे कि निर्यात में प्रकाश की जो चाल है, वेग है, वो होती है 3.010^8 मीटर पर सेकंड। कैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 जीरो ये हैं, 3 3 का ये हैं, टोटल 8 जीरो थे, इसलिए 10^8 लगाए मैंने। इसी तरीके से 384 × यहाँ भी कितना हो जाएगा 10^8 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।